अस्सलाम वालेकुम तो सबन का मेरा नया व्लॉग। तो जैसा कि आपको कल के व्लॉग में बताया था सरप्राइज़ है, तो आज भी सरप्राइज़ कि हम जा रहे हैं लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद भी जाएंगे और बहुत जगह घूमेंगे। सो फिलहाल ये रेंट पे गाड़ी ली हमने, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो नहीं चल पाई, इतना काम नहीं हुआ। सो अभी जल्दी पैकिंग वैकिंग सब सामान गाड़ी में डालते हैं और चलते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम में निकलते हैं, सामान थोड़ा एडजस्ट हो रहा है पीछे, तो एडजस्ट कर रहे हैं पीछे, जगह इतनी नहीं है ना, छोटी गाड़ी है। ओके सो ये आप फटाफट से चलते हो जाते हैं। आज का व्लॉग जरूर देखना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टॉप के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं, तो दो घंटे होने वाले हैं ऑलमोस्ट, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और ये बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश से हल्की हल्की से बारिश हुई, बूंदा बंदी हुई है, लेकिन जो है ना बारिश से जो है ना पौधे वौधे सारे बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गए। सो या हमें जाम शुरू में और मेरे को तो फुल नींद दे थी, मैं तो फुल नींद में था और अचानक से रोक लिया गया खाने के लिए। सो अल हबीब रेस्टोरेंट नाम है, तो यहाँ पे देखते हैं जो क्या क्या मिलता है, तो वही खाएंगे। इन्होंने कहा एक से दो घंटे लगेंगे, लेकिन हमें देर हो रही है, हमें जल्दी से पहुँचना है, बहुत दूर है ना जो हमारे टारगेटेड लोकेशन है आज। सो कहीं और से खा लेंगे अभी, वापस चलते हैं। क्या हुआ? चलो चलो बैठो बैठो। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सखर में हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिला है, गेस्ट हाउस मिला है। सो खाना खा के अभी चल, अभी 12 ही हो रहे हैं, सो अभी अंदर चलते हैं, लॉबी में बैठ कर चल के रूम लेते हैं। तो ये डिसेंट सा रूम मिला है, बहुत बड़ा है, 3 बेड के साथ, और कोई व्यू है, व्यू नहीं है मेरे को, मतलब है व्यू होगा। सो ये अच्छा सा रूम मिल गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे व्लॉग, और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे व्लॉग, आपको अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब रोज़ लोग आएंगे ऐसे, स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाफ़िज़।